नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कामायनी महाकाव्य की निर्वेद सर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि निर्वेद सर्ग रहस्य सर्ग की बाद आती है और ये कामायनी महाकाव्य की नवमीतम सर्ग है। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए निर्वेद सर्ग की सारांश क्या है जान लेते हैं। तो दोस्तों, निर्वेद सर्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? निर्वेद सर्ग की शुरुआत होती है ईड़ा की प्रजा यानी कि सारस्वत नगरी की प्रजा और मनु के बीच होने वाली महायुद्ध से। तो वो युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जब मनु अपने हवस यानी कि अपनी काम वासना पूरी करने के लिए ईड़ा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किए, जो कि देखा नहीं गया उसकी प्रजाओं के आंखों पर, जिसके लिए वो सब एकजुट होकर मनु के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिए और फिर परिणाम स्वरूप एक महायुद्ध हुआ जिसमें मनु पराजित हुए। और फिर युद्ध में पराजित मनु सारस्वत नगरी की राजमहल की एक कोने पर बेहोश पड़े हुए होते हैं और उनके पास बैठी हुई होती है ईड़ा, जो कि मनु को अपनी करुणामय दृष्टि से देखती ही रहती है और साथ ही साथ ये अपने मन ही मन सोचती रहती है कि मनु ने इस सारस्वत नगरी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। जब सारस्वत नगरी डूब रहा था, बर्बाद हो रहा था, तब इसे पुनर्गठन करने के लिए मनु ने बहुत मेहनत की थी। यही प्रजाएं जो आज उन्हें पराजित करके बेहोश यहाँ पर फेंक दिए हैं, उनकी खुशहाली के लिए मनु ने अपनी जी जान लगा दिए थे। पर बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में उन्हें मिला युद्ध और युद्ध में परास्त करके उन्हें यहाँ पर फेंक दिया गया। इसी बात पे ईड़ा क्या करती है, अपने मन में अपने ही प्रजाओं के लिए क्रोध का संचार करती है और मनु के प्रति दया और करुणा की भाव उसके मन में जागृत होती है। तभी अचानक से उसे करुणामय आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसकी है जानने के लिए जब ईड़ा अपने सर को ऊपर किए देखने लगी तो उसकी नजर में आई एक बिरहिणी नारी एक बच्चे की उंगली पकड़कर उनकी ओर तेजी से आ रही थी। वो नारी कौन है जानने के लिए ईड़ा के मन में उत्कंठा जाग उठी। तो उसे पता चला वो नारी और कोई नहीं, मनु की पत्नी श्रद्धा है, जो अपने साथ अपने पुत्र मानव को लिए हुए उनकी ओर आ रही थी। और फिर श्रद्धा ने जब मनु की इस हालत देखी तो उसे और रहा नहीं गया, वो रो पड़ी और फिर शुरू कर दी मनु की सेवा। और उसकी सेवा से मनु होश में आए और जब वो श्रद्धा को अपने सामने देखे तो उनके मन में अफसोस की आग जलने लगी और वो मन ही मन ये सोचने में मजबूर हो गए कि जिस नारी ने मेरी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था जब मुझे उसकी जरूरत थी, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास चली आई थी, पर मैंने उसके साथ क्या किया? जब उसको मेरी जरूरत रही तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया, जब वो माँ बनने वाली थी मैं उसको छोड़ के ईड़ा के पास चला आया। और फिर ये सोचकर श्रद्धा से नजरें नहीं मिला पाए मन, क्योंकि वो खुद को ईड़ा और श्रद्धा दोनों की गुनहगार समझ रहे थे। तो उसी अफसोस के साथ वो काल रात और उसकी अगली दिन दोनों ही बीत गई और फिर आया दूसरी रात। तो पूरे रात और दिन उजागर रहने की वजह से श्रद्धा और ईड़ा दोनों को नींद आ गई, जिसकी वजह से वो लोग सो गए और मनु उसी मौके को ना गवा कर राजमहल से बाहर निकल गए, मतलब भाग गए, क्योंकि वो श्रद्धा और ईड़ा दोनों के साथ नजरें नहीं मिला सकते थे। एक और तो सारस्वत नगरी की वासियों से बदले की आग और दूसरी ओर ईड़ा और श्रद्धा दोनों की गुनहगार समझकर खुद की नजरें उनके साथ ना मिला पाना, ये दो चीज मनु को मजबूर कर दी सारस्वत नगरी की राजमहल से भाग जाने के लिए, जिसकी वजह से रातों रात वो राजमहल से भाग गए। और जब दूसरे दिन की सुबह हुई और श्रद्धा और ईड़ा दोनों नींद से जागे तो दोनों को पता चलता है कि मनु राजमहल में नहीं है, जो कि भाग चुके हैं। तभी दोनों को बड़ा ही दुख होता है। बेचारी ईड़ा, जो कि सबकी जिम्मेदार खुद को मान रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो मनु और श्रद्धा के बीच में ना आती तो शायद आज ये अनहोनी ही ना होती।
मनु और श्रद्धा एक दूसरे के साथ होते और दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते, और मनु इस तरह से राजमहल से भागकर नहीं जाते, और श्रद्धा जो कि किसी को भी गुनहगार नहीं मान रही थी, वो वैसे ही निस्सहाय बैठी हुई थी और अपनी आंखों से आंसू वैसे ही बहा रही थी। तो इस तरह से निर्वेद सर की अंत होती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल पूछनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं वादा करती हूँ आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। हाँ दोस्तों, अगर कुछ ऐसे सवाल है जिसकी जवाब की जल्दी हो आपको, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, बहुत जल्द आप सबके साथ मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।